हेलो एवरीवन मैं दिनेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इवन पे और हम लोग यहां पर डिस्कस करने आते हैं रोज रीजनिंग की समस्याएं कैसे आप हल करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आज की समस्या कैसी रहेंगी पहले चलते हैं पेपर पे और डाउनलोड करते हैं पेपर को फिर आगे कहने स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए तो पेपर की तरफ बढ़े और पेपर जो अपना मिलता है वो आता अपना यहाँ पर ठीक है so, कि आप सभी आनंद से होंगे बढ़िया अपना तैयारियों में जुटे होंगे जो कि आगामी तैयारी जो पेपर आपके पास में जून में जो प्रपोज है उसकी भी तैयारी आप करना स्टार्ट कर दें बहुत क्रुशल uh, कंटेंट है और बहुत बड़ी वैकेंसी वापस आपके पास में आने वाली है अप्रैल में तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और तैयारी में जुड़ जाएं क्योंकि समय मिलेगा नहीं अपने को ठीक है और समय नहीं मिलेगा और ये तिरासी नंबर का पेपर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने चले हैं एटी थ्री पेपर है ठीक है आइए पहला नोट्स आइए नोट्स नो नौ। ठीक है तो पेपर के आ, कंटेंट में चलते हैं और आज की थीम चेंज करते हैं ठीक है ओके okay, जी चलिए बढ़िया आज का जो कंटेंट हम लोग लेके आ रहे हैं वो है है नंबर नंबर का का पेपर आपके पास है। 83 का पेपर पास आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे पहले जो पेपर सॉल्व पेपर ही है आपके लिए ठीक है आप कभी भी उनका दे सकते हैं क्योंकि वो इसी सीक्वेंस से रिकॉर्डेड भी है तो आपके लिए पेपर हमेशा पेपर ही रहेगा कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा ठीक है तो जब भी आपका मन करे पेपर खोल के पेपर एक दे दिया करें ठीक है पढ़ लिया करें हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान चीजें आपके पास होंगी ही चलिए गुड इवनिंग सभी का क्वेश्चन आपके पास ये रहा ठीक है पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया इवन हमेशा कहता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें किसी भी कंटेंट को जो आपको दिया जा रहा है उसको देखें समझें और बढ़े भी आगे ठीक है पहला क्वेश्चन ये रहा चूंकि अपने टाइमर तो लेके ही नहीं आए तो टाइमर जी को बुला लेते हैं टाइमर जी आई गए आपके पास चलिए बढ़िया उत्तम जी को करते हैं सेट पैंतीस सेकंड के लिए क्वेश्चन आपके पास होता ही होता है हमेशा की तरह ये लीजिए पैंतीस सेकंड इनको सेट करते हैं यहां पर स्टार्ट कर देते हैं इसको छोड़ते हैं इसको बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा सॉल्व करिए क्या आंसर देंगे क्वेश्चन का क्या आंसर है क्वेश्चन का अगर ये क्वेश्चन आपके पास है तो क्वेश्चन का आंसर क्या है ये कई बार क्लासेस के दौरान मैं एनालॉजी में पढ़ा के आता हूं कि देश और उसकी राजधानी के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है देश और उसकी राजधानी का क्वेश्चन जो है आपके लिए कई बार पूछा जाता है और ये वही क्वेश्चन आपके पास है ठीक है वही क्वेश्चन आपके पास आया है देश और उसकी राजधानी के सापेक्ष क्वेश्चन है तो थोड़ा सा प्यार से इसको क्वेश्चन को टैकल करें बन जाएगा आपके पास में ठीक है थोड़ा सा प्यार से क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन आपके पास आसानी के साथ में बन जाएगा ठीक आइए कनाडा देश है राजधानी है ओटावा ओटावा इज अ कैपिटल ऑफ कनाडा ठीक है कनाडा की राजधानी का नाम क्या है ओटावा है तो आपको ऐसे ही देखना है किसका आपको ऐसे देखना है क्यूबा क्यूबा की कैपिटल क्या है तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना क्या है बेटा हवाना हवाना इज अ कैपिटल ऑफ आ, क्यूबा क्यूबा की क्या है बेटा हवाना जो है कैपिटल है ठीक है आपको वैसे पता बर्न तो है स्विट्जरलैंड की है बर्न किसकी है स्विट्जरलैंड की मैड्रिड से इंग्लैंड के आसपास किसी देश की है और ऐसे ही आपको ऑस्लो भी कैपिटल है लेकिन कहाँ की है क्यूबा के अलावा ठीक है तो कैपिटल के भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था तो कैपिटल आपको समझ में आनी चाहिए थी क्लियर है तो कैपिटल ऑफ कनाडा कनाडा की कैपिटल है ओटावा ऐसे ही क्यूबा की कैपिटल थी क्या हवाना ये आपको ध्यान रखना है ठीक है कैपिटल के पर क्वेश्चन पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन जो आपके पास है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है पता ही था आपको ठीक है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन क्वेश्चन है तो इजीली इस आप इसको को हल करें क्या आंसर्स होंगे बताइए इसके टाइमर जी स्टार्ट और ये स्टार्ट कर दिया गया अब बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या है क्या है इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी कोड लैंग्वेज में काउ को जेड आर एफ डॉक को जी आर एफ जी तो ऐसे ही रेट को क्या लिखा जाएगा ऐसे ही रेट को क्या लिखा जाएगा रेट को क्या लिखा जाएगा ठीक है बताना है काउ का कोड है उसके बाद में आपके पास में डॉग का कोड है और लास्ट में आपसे पूछा गया रेट का कोड क्या होगा कोड फॉर द रेट रेट का क्या कोड है रेड का कोड क्या है बिल्कुल राम राम ठीक है रवीना और गामा वाला फौजी बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल चले पड़ते हैं ठीक है कंटेंट क्वेश्चन की वैल्यू क्या 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 आंसर है क्वेश्चन के नाम पे आप गए तो क्या क्या आंसर आपके पास आते हैं तो पहला देखो लिखो सी और डब्ल्यू काउ का कोड क्या था आपके पास में तो काउ के कोड के लिए आप पहुंच गए हैं जेड आर और एफ के लिए ठीक है जेड आर एफ के लिए आप पहुंचे तो देखो यहां से इसको क्रॉस करो यहां से इसको क्रॉस करो इसको इसको क्रॉस करो ये प्लस का थ्री है कितना बेटा प्लस का थ्री है क्रॉस करके प्लस का थ्री था ठीक है करके प्लस का थ्री है ये भी प्लस का थ्री और ये भी प्लस का थ्री था प्लस का थ्री किया गया अब आपके पास है रेट क्या है बेटा आपके पास है रेट रेट के लिए प्लस का थ्री क्रॉस करके प्लस का थ्री करना तो आएगा डब्ल्यू डी और यहां पर जाएगा यू डब्ल्यू डी और यू बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बी आपके क्वेश्चन का सही विकल्प और सही आंसर था ठीक है बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या निकल के आया बी था बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और कैसे इस क्वेश्चन को आंसर देंगे इसमें से कौन से तीन वर्ड ऐसे हैं जो एक समूह बनाते हैं और बाकी सब क्या है अलग एक है कौन से तीन है जो एक ग्रुप के है और एक ऐसा है जो उस ग्रुप का नहीं है बताना है ठीक है कौन है जो उस ग्रुप का नहीं है बताइए कौन सा वर्ड ऐसा है जो कौन सा वर्ड ऐसा है जो अलग है कौन सा वर्ड ऐसा है जो बाकी सबसे क्या है अलग एक है कौन सा वर्ड ऐसा है जो बाकी सबसे अलग एक है चलिए बताइए कौन सा वर्ड है जो बाकी सबसे अलग एक है इनमें से कौन सा एक है जो बाकी सबसे अलग है ध्यान से से आइए पढ़िए कौन सा था इकोलॉजी रिलेटेड है मायोलॉजी की बात करेंगे या फिर डॉटोलॉजी आफ्ते, की बात करेंगे या की बात करेंगे तो कई बॉडी हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या हेल्थ है उससे जुड़े हुए कंटेंट है ठीक है यही एक ऐसा वर्ड है जो वातावरण से जुड़ा हुआ है बाकी सभी कई कई हमारे फिजिक्स से जुड़े हुए फिजिक्स मतलब फिजियोलॉजी कार्य की से जुड़े हुए हैं हमारे शरीर और उसके अंगों से जुड़े हुए कंटेंट है ठीक है तो वहां के रिगार्डिंग क्वेश्चन था तो बायोलॉजी का या आप कह सकते हैं साइंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि तीन साइंस ऐसी जिनमें बॉडी के पार्ट का स्टडी किया जाता है जबकि आपको यहाँ पर देखना है इकोलॉजी तो ये एटमोस्फेयर या एनवायरमेंट के पार्ट का स्टडी करता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए डेप्थ का नॉलेज था सीखने के लिए बनता है चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे फेवरेट क्वेश्चन अपना पता ही है सिलॉक्स के नाम से फेमस है सिलोजिज्म के नाम से आप इसको बोलते हैं और क्वेश्चन को करना है कैसे तो आइए है वापस से रिसेट किया गया और ये वैल्यू आपके पास है फटाफट से सॉल्व करिए क्या आंसर है ये क्वेश्चन है आपके पास में स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल है ऑल पेंसिल्स आर इरेजर सभी पेंसिल्स इरेजर है और कौन कौन सा कंक्लूजन राइट right है और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है देखना है कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग कंक्लूजन है क्वेश्चन सॉल्व करा करो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही प्रैक्टिस बनेगी ऐसे नहीं बनेगी पेन pen पेंसिल चलेगा तो ही पेन पेंसिल परीक्षा में चलेगा बिल्कुल क्लियर कर लो अगर पेन pen पेंसिल नहीं चलाने की आदत है तो पेन pen पेंसिल चलेगा नहीं इस चीज को ध्यान रख लें, ठीक है तो चलिए आइए क्वेश्चन का आंसर फौजी एजुजल दे, देता ही है तो क्या आंसर दिया फौजी सी

बात तो सही है तो पहला सही करता और वो कहा है सी में बिल्कुल, है बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा था ठीक है ये काउंटिंग फिगर का है और ऑन एवरेज आपसे क्वेश्चन ये पूछे ही जाते हैं काउंटिंग फिगर का एक क्वेश्चन है कौन सन में क्या आएगा अगर आप इसको काउंट करते हैं तो ठीक है काउंट करके बताइए फिगर्स में क्या आंसर आपके पास आते हैं काउंटिंग द फिगर का क्वेश्चन है इसमें गिनने है आपको ट्रायंगल्स त्रिभुज गिन के बताने हैं कितने त्रिभुज हैं इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं इस डायग्राम में आपको बताने हैं हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन फिगर इसमें कितने हैं ग्यारह दस तेरह या बारह ग्यारह दस तेरह या बारह कितने ट्राइंगल्स आपके पास यहां पर हैं हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन फिगर इसमें कितने हैं इस डायग्राम में कितने ट्रैंगल अवेलेबल हैं? इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल अवेलेबल हैं? चलिए आते हैं गिनते हैं ना गिनने का काम गिनने से ही होगा ऐसे नहीं होगा ठीक है तो गिनते हैं कितने ट्रायंगल्स अवेलेबल हैं? चलिए यहीं जाते आते हैं गिनने के नाम पे चलते हैं तो पहला राहुल गेरा ए बिल्कुल ग्यारह सही आंसर बेटा राहुल ग्यारह है आपके पास में अगर आप गिन पा रहे हैं तो आप इसको देखिए कितने तीन आप तो टुकड़े टुकड़े में गिना करो ये कितने भाई आपके पास तीन वैल्यू आ गई ठीक है उसके बाद में आप देख रहे हैं तो ये एक वैल्यू आपके पास आती है तो एक वैल्यू एक था ये एक ठीक है उसके बाद में एक अकेला ये भी है दो उसके बाद में आप देख रहे हैं तो ये दो आपके पास और आ गए इस वैल्यू को ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो कितनी है ये आपके पास आ गए तीन और तीन आपके पास ये आ गए छ छे और आपके पास आते हैं तो टोटल मिला के होते हैं ग्यारह इसके अलावा कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा था तो इलेवन ट्राइंगल्स आपके पास अवेलेबल हैं हैं बिल्कुल फौजी यस आपके, आपके पास इस डायग्राम में ठीक है ग्यारह ट्राइंगल हैं आपके पास इस डायग्राम में चलिए ये हमेशा की तरह आने वाली श्रृंखला जो कि आपके पास होती ही होती है छोटे अक्षर वाली श्रृंखला बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं छोटे अक्षर वाली श्रृंखला छोटे अक्षर वाली श्रृंखलाए क्या आंसर देंगे अगर क्वेश्चन है तो आपके पास है ठीक है स्टार्ट ये डायग्राम ये वैल्यू आपके पास है फटाफट से बताइए इस श्रृंखला में आंसर क्या आएगा वट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या आंसर है चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन पे क्या क्या ध्यान रखना होता है ठीक है ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो क्या करना था दो तीन चारो पांच एक दो तीन और पांच, पांच हो गया काम आर एम तो पहले में एम रखना ये ऑप्शन चला गया ये ऑप्शन चला गया ये भी ऑप्शन हटाओ जी आर यहां पर भी आएगा आर फिर आर आ गया फिर आपके पास देखो आर एम फिर आ जाता है आपका ठीक है आर एम वी तो वी और फिर क्यू तो आर क्यू आ, आ, एम, आर क्यू, एम आर क्यू एम आर क्यू वैल्यू आपके पास अवेलेबल है पूरा एक वैल्यू था जो बार बार रिपीट हो रहा है ए बिल्कुल सही है ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा ठीक है दिनेश अग्रवाल पहले की तरह हमेशा की तरह रोज बोलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है ना और पढ़ने के लिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा ना रोज कभी नहीं छोड़ना है आगे का क्वेश्चन क्यूबन डाइस का है और ये डाइस का एक क्वेश्चन है कि डाइस को अगर मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया जाए आपको ये डाई है और इसको ऐसे करके खोला गया है ठीक है अब अगर मान लो इसको बंद करते तो कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है ये बताना है इसके आधार पे कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं और कौन सी स्थितियां नहीं बनेंगी बताइए कौन सी स्थिति बन सकती है और कौन सी स्थिति नहीं बनेगी ये आपको बताना है इसके ब्यापार कौन सी कंडीशन बन सकती है और कौन सी कंडीशन नहीं बनेगी ये बताना आपको कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है और कौन कौन सी कंडीशन नहीं बनेगी अगर आप इस दाई को बंद करते हैं तो इनके आधार पे इनमें से कौन कौन सी कंडीशन बनाई जा सकती है चलिए पहले क्वेश्चन कैसे होता है वो समझा देता हूँ ये क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करते हैं तो पहला काम है कौन किसका अपोजिट है तो पहले देखो ए का अपोजिट आपके पास आ जाता है सी और टी का आ जाता है जे और बाकी बच्चे अपने आप ही अपोजिट हो जाते हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है अब ये बात आपको ध्यान रखनी है तो पहला बनेगा या नहीं बनेगा इसको देखते हैं ए एफ टी ए एफ टी अलग अलग चांसेस बन जाए सी एफ टी सी एफ टी अलग अलग बन जाए सी जे ए सी जे ए सी और A में है, तो ये चांस नहीं है नहीं बनेगा आ गया नहीं बन सकते तो ए और बी के चांसेज हैं ध्यान रखना चांसेज है बन सकने के चांसेज हैं ये दो कंडीशन ऐसी जो बन सकती हैं तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए क्लियर है ए वाले का चांस है कि ये कंडीशन आपके लिए बन जाएंगी चलिए फॉर द नेक्स्ट देखो फिर से जी को जी के क्वेश्चन आ गया टीनो टिंटोमीटर टिंटोमीटर कलर को देखता है किसको देखता है कलर को देखता है कौन टिंटोमीटर तो अब आपको बताना है क्या कौन किसको चेकआउट करेगा कौन किसको जांचता है ये देखना आपका है ठीक है कौन सा मीटर किसको देखता है तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा रखेंगे अब चुकी तो जीके का क्वेश्चन है तो जीके में तो अगर आपका बढ़िया है तो ही क्वेश्चन बनेगा चलिए बढ़िया इसका भी एक बढ़िया सा बेसिक्स है जैसे टेंटोमीटर से कलर चेकआउट करते हैं कलर की डेप्थ या कलर की लेंथ या कलर का भारी डेंसिटी चेक करते हैं वैसे अगर आप देखते हैं प्रोटेक्टर क्या होता है प्रोटेक्टर से एंगल निकालते हैं ये देखो ऑप्शन गलत लिखा है इसने ये रहा प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर से निकालते हैं एंगल्स ये ऑप्शन आएगा अब हिंदी में देखो गलत लिखा हुआ है अब बच्चा हिंदी में करके आ गया तो गई उसकी छुट्टी हो गई ठीक है अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेनी मीटर दाव जबकि प्लेनी मीटर का तो यहाँ लिखा हुआ है और विस्कोमीटर कहा लिखा हुआ है ये रहा विस्कोमीटर जो है यहाँ लिखा हुआ है ठीक है और उसके बाद में ये ठीक लिखा हुआ था और ये वाली वैल्यू लिखी हुई यहां पर तो प्रोटेक्टोमीटर से प्रोटेक्टर से सॉरी प्रोटेक्टर से एंगल निकालते हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो सी माना जाएगा क्योंकि इंग्लिश में सी में ही ऑप्शन है ठीक है तो प्रोटेक्टर से क्या निकालते हैं एंगल निकालते हैं तो प्रोटेक्टर कैलकुलेट करता है किसको एंगल को यह ध्यान रखने वाला मैटर था आपके पास में ठीक है क्लियर चलिए बढ़ते हैं आगे ये क्लियर आगे क्लियर बढ़ते हैं तो वैल्यू इधर उधर लिखी हुई होती है कई बार कोडिंग डिकोडिंग का फिर से क्वेश्चन आपके पास है कि कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल कर पा रहे हैं ठीक है चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आपके पास आंसर है कोडिंग का एक क्वेश्चन इसका कोड ये है इसका कोड ये है तो आपको पूछा गया किसका है भाई तो आपको पूछा गया मिंट का तो था फैंसी का भी है तो C o एन टी ओ यू आर का पूछा गया काउंटर का पूछा गया ठीक है T यू एन R का पूछा गया।, गया।, गया क्या आंसर देंगे चलिए जी देखो आजकल लेटर से नंबर कोडिंग में बहुत दिमाग लगा रहा है ये लेटर से नंबर कोडिंग के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े आ, ट्रिकी कंटेंट करके आ रहे हैं तो ध्यान से देखना है पढ़ना भी है जैसे पहले आपके पास आया एम आई एन टी ठीक है क्या लिखा हुआ है एम आई एन आर टी ठीक है एम आई एन टी के लिए जाएंगे तो क्या था तेरह नौ चौदाह और बीस इन सबकी वैल्यू को एड करेंगे तो आपके पास आ गया था बाईस ये आपके पास आ गया था चौंतीस अल्टीमेट देखा जाए तो आपके पास आ गया था छप्पन अब छप्पन तो है नहीं आपके पास आ गया था दो सौ चौवालीस लेकिन इसको अगर मैं चार से गुणा कर दूं दो सौ चौबीस तो आ जाएगा चार पंजीबी छतों का दो सौ चौबीस आ जाएगा तो क्या किया गया पहले प्लेस वैल्यू को टोटल किया गया फिर जितने लेटर उनसे गुणा करके कहा गया तो दो सौ चौबीस आपके पास आया ठीक है ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास में आता है तो फैंसी का चेक करेंगे तो भी आ जाएगा पांच का डिवाइड करके आ जाएगा इसमें कितना तीन और चार सात की वैल्यू आएगी तो सी ओ यू एन सी ओ एन सॉरी सी ओ एन टी ओ यू और आर की बात करें तो ये वैल्यू थी तीन ये वैल्यू है पंद्रह चौदह बीस इक्कीस सॉरी बीस पंद्रह इक्कीस और अठारह इन सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो आएगा अठारह बाईस दस बत्तीस यहां से आपके पास आ गया था पैंतीस और ये आपके पास आ गया था उनतालीस एड करते हैं तीन छो नब्बे तो आपके पास एक हो गया नौ पांच चौदह दो सोलह तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक सौ छह गुना करना था सात के साथ में तो सात छह के बयालीस देखो ये रहा ऑप्शन सात सौ बयालीस क्वेश्चन का आंसर था ठीक है बहुत लेंदी क्वेश्चन करके आ रहे हैं आजकल ये जो कोडिंग वाले क्वेश्चन है इनको मतलब इतना ज्यादा आसान नहीं रखा है बहुत लेंदी आईडी कर दिया प्लस करा गया फिर मल्टीप्लाई कर रहा आगे के लिए भी ठीक है डबल कर देता है ट्रिपल कर देता है ज्यादा है कुछ जोड़ देना कुछ घटाना काफी चल रहा है इन में ठीक है तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन अब उतने आसान नहीं रहे हैं जितने एक जमाने में इजी गोइंग करके आते थे ठीक है ये तो बहुत ज्यादा आसान एक कंटेंट है और ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें आनी चाहिए बल्कि तो मैं कहता टाइम बचाने वाला है ये आकृति कहां पर है ढूंढ के बतानी है भैया आपको ये आकृति कहां पर मिलेगी खाली ढूंढ के बतानी नहीं चलो कम से कम कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारा टाइम बचा सकते हैं इस आकृति को ढूंढना है कहां पर मिलेगी बताइए ढूंढे आकृति कहाँ है ये आकृति किस ऑप्शन में ढूंढ के बताना है ये आकृति कहां पर है ढूंढ के बताइए कहा मिल जाएगी आपको ऐसी आकृति घुमाना अलाउड नहीं है ध्यान रखना यहां पर साफ साफ लिखा लिक, लिक, होता है रोटेशन इज नॉट अलाउड रोटेशन अलाउ नहीं होता आप किसी भी आकृति को घुमा फिरा नहीं सकते हैं जो जिस कंडीशन में है आप उसको उसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं क्या हुआ भाई तुझे क्या हुआ आ जाओ ठीक है आप घुमा फिरा नहीं सकते हैं चलिए घुमा फिरा नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं तो आइए क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं देखो यह आकृति चाहिए आपको इस वाले फॉर्मेट की कहां पर मिल जाएगी तो थोड़ा सा देखा होता तो मेरे ख्याल से मिल गई होती ये देखो ये भी यहां से आप आते हैं और यहाँ पर आप बनाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको आकृति मिल जाएगी बिना किसी घुमाव और फिराव के ठीक है बाकी कहीं पर भी यह है नहीं तो ओनली क्या ऑप्शन बनता है अगले क्वेश्चन कंटेंट पे चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन था अपना रामबाण क्वेश्चन है इजी गोइंग तरीके से आता भी है और आपको इसको हल भी करना आना चाहिए चलिए क्या आंसर है इस क्वेश्चन के लिए बी बिल्कुल फौजी बी क्वेश्चन का आंसर है सीरीज का क्वेश्चन है थ्री ट्वेंटी थर्टी एट फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव एटी टू वन वन फोर क्या आंसर देंगे चलिए देखो मैंने कितनी बार भी बोला कि जब भी सीरीज में पांच से ज्यादा नंबर आ जाए क्या जाने आ जाए बेटा पांच से ज्यादा नंबर आए तो दिमाग कम लगाना होता है यहां से इसको देखो फिर इसको देखो फिर इसको देखो ऐसे इन दोनों को देखो फिर यहां से इसको देखो फिर इसको देख लो ठीक है ऑल्टरनेट कह सकते हैं तो यहां से यहां तक का अंतर देखा गया इसको देखते हैं तो अपने पास आता है थर्टी फाइव यहाँ से यहां तक का थर्टी टू है फिर यहां से यहां तक का देखा गया तो आपके पास है कितना था सेवन तो एक हो गया और थ्री वीक हो गया से थर्टी सेवन है यहाँ पर देखा गया तो बावन से और आप यहाँ पर चौरासी पे गए तो आपके पास वैल्यू आ गई थी तीस ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है ठीक है फिर से 75 से आप वन वन फोर ये घट जाएगा यहां से अगर अट्ठाईस यहाँ पर आ गया तीस तो ये अट्ठाइस का डिफरेंस आएगा अट्ठाइस आप करेंगे ज्यादा तो आ जाएगा आपका वन वन टेन कहा है भाई येरा एक सौ दस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा One, one, जब भी नंबर ध्यान रखना बहुत सिंपल सा बोल रहा हूं कितने नंबर है एक दो तीन चार पांच सीरीज दो दो का में ली गई होंगी दो श्रृंखलाएं जो है वो आपको मिला के एक साथ दे दी गई होती है फिर उनको आप सोल्व करते हैं तो दो सीरीज आएंगे तो आपको ध्यान कैसे करना है ध्यान रखना है ठीक है तो दो सीरीज का क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका रक्त संबंध का क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बेटा रिलेशन ब्लड ब्लड रिलेशन के आधार पे बनने वाले क्वेश्चन है ठीक है ब्लड रिलेशन के आधार पे बनने वाला क्वेश्चन चलो बढ़िया से बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या है अगर हम टाइमर जी को ऑन कर दें यहां से स्टार्ट कर दें बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन पार्लेमिक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपत ने कहा वे मेरे पिता मां की इकलौती की बड़ी बेटी की बेटी है बड़ी बेटी की बेटी है चलिए बीना कुमारी का आंसर आ गया, डी, डी मतलब आंटी, अरे डी मतलब है आंट बुआ डी का मतलब क्या हो गया बेटा आंट बुआ हां हां ठीक है चलिए क्वेश्चन पे आते हैं जस्टिफाई करते हैं क्या अच्छा तो आंसर ठीक होगा बच्चे ने दिया है तो अपने बच्चे बोल रहे हैं तो ठीक ही है एक बार बना भी लेते हैं ताकि मन से स्भा... क्या निकल जाए भ्रम निकल जाए अपना क्वेश्चन पे लिखा हुआ है क्या देखो कहां से से स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं डायग्राम नहीं बनाते मेरे कहाता की माँ मतलब पिता की माँ मतलब दादी दादी की इकलौती बड़ी बेटी मतलब मेरी बुआ और मेरी बुआ की बेटी है तो मेरी बुआ की बेटी है तो वो मेरी कजन हो गई है क्या हो गई है मेरी कजन हो गई है वो मेरी कजन हो गई है ठीक है उस बच्ची की माँ मतलब बुआ जी का श्रीपद से क्या संबंध है तो बुआ जी लगेगी बेटा मुझे लगा बच्ची बुआ जी लगेगी तभी मैंने कहा एकदम से बिना मुझे लगा बच्ची बुआ जी कैसे है तो ब, बच्ची की माँ तो बुआ जी लगेगी देखो ऐसे क्वेश्चन को खुद पढ़ के अपने आप पे लागू करके करें तो ज्यादा जल्दी बनता है ठीक है कैसे पढ़ा गया यहीं से स्टार्ट करें क्या देखो आ जाता है यहाँ से सिर्फ सीड डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर्स माई फादर्स मदर इज माई ग्रैंड मदर्स ऑनली डॉटर एल्डर डॉटर्स डॉटर ठीक है माई ग्रैंड मदरस एल्डर डॉटर दैट इज माई आंट एंड माई आंट्स नेक्स्ट गए माई आंट्स डॉटर दैट इज माई कजिन तो सी इज माई कजिन तो वो तो मेरी कजन है पर उसकी मम्मी मेरी क्या है तो वो मेरी मम्मी उसकी मम्मी मेरी आंट लगती है ठीक है उसकी मम्मी मेरी क्या लगेगी आंटी बिल्कुल बढ़िया डन करेक्ट आंसर बैठा क्वेश्चन का ठीक है नेक्स्ट आप पहुंचे तो आएगा एवन कॉन्सेप्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका बनता ही बनता है क्या किया जाना है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा क्या किया जाना है तो आपके पास वैल्यू है ऐसा कोई ग्रुप है जो बाकी सबसे क्या अलग एक है चलिए बताइए इनमें से कौन सा लेटर ग्रुप ऐसा है जो बाकी सबसे डिफरेंट एक है ऐसा कौन सा लेटर ग्रुप है जो बाकी सबसे क्या अलग है फाइंड आउट करिए बताइए कौन सा लेटर ग्रुप है ऐसा जो बाकी सबसे डिफरेंट एक है कौन सा लेटर ग्रुप है जो बाकी सबसे क्या है डिफरेंट एक है सॉल्व इनमें से कौन सा अलग है इनमें से कौन सा अलग है इन में से कौन सा लेटर ग्रुप जो है वो अलग एक है बताइए इनमें से कौन सा लेटर ग्रुप है जो बाकी सबसे क्या है एक है। चलिए, आइए यहां से कौन सा अलग एक है इसको देखते हैं इन में से कौन सा अलग है देखो पहला काम है ऐसे तो 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 का तो का तो 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 काम नहीं कर रहा जी डिफरेंस वाला मैटर तो काम कर नहीं रहा ठीक है जल्दी से जो देखते हैं वो डिफरेंस वाला देखते हैं तो डिफरेंस वाला तो यहाँ पर काम कर ही नहीं रहा अब क्या हो सकता है तो फिर प्लेस वैल्यू पे आते हैं तो यह आपके पास था अठारह ये आपके पास चार ये आपके पास है तेरह और ये आपके पास था नौ बाईस और ये भी हो गया बाईस मतलब टोटल आ गया चौवालीस यहाँ पर आप देखते हैं तो पहला है छह आठ चौदह चौदह और तेईस चौदह और तेईस की बात कर लेंगे तो आपके पास आ गया सैंतीस और इक्कीस आप जोड़ देंगे तो आप सत्तावन चालीस चौवालीस चौवालीस चौदह सिक्सटी एट आपके पास आता है ठीक है चलो कोई बात नहीं यहाँ पर आप फिर पहुंचे तो दस और चौदह चौबीस तीन 27, सत्ताईस सत्ताईस और सत्रह फिर से चौवालीस आ गया ठीक है चौवालीस इसका भी चौवालीस आ गया तो गया काम से फिर ये ना बीस और छह छब्बीस छब्बीस ग्यारह सैतीस और सात चौवालीस ठीक है तो तीन का टोटल इसका 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 बराबर है इसका आंसर डिफरेंट एक है ये बाकी सबसे अलग एक है द सम ऑफ प्लेस वैल्यू बाकी सभी का क्रमांक जो है टोटल में आता है चवालीस इसका टोटल जो है बाकी सबसे अलग एक आ रहा था तो ये लेटर ग्रुप बाकी सबसे क्या है अलग एक है देखो पहला देखा गैप फिर देखा अपोजिट वो भी नहीं है वो वर्ल्ड का प्रेजेंस भी देख लेते हैं तो वो वर्ल्ड का क्या है भाई वो वर्ड का आइडिया तो लग सकता है पर इसमें एक ही है बाकी में नहीं है ना तो भी एक अंदाजा था पर क्वेश्चन निकल के आ गया इससे गैप से निकल के आ गया तो बढ़िया बनता है बी बिल्कुल बढ़िया बी ना यस बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ठीक है आइए बढ़ते हैं आगे ये है आपके पास में क्वेश्चन का हाफ पार्ट हाफ पार्ट ये रहा क्वेश्चन को लिखा है पढ़ना है और फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं ठीक है थीके? किसको कौन रिप्रेजेंट करता है मैं लिख भी देता हूँ हमें कहा गया वृत्त में ग्रामीण जनों को ये रूरल को शो करता है किसको शो कर रहा है बेटा रूरल पर्सन को शो कर रहा है ठीक है ट्राइंगल बिजनेसमैन को शो कर रहा है ये बिजनेस को शो कर रहा है ठीक है बिजनेस को शो कर रहा है और आयत ग्रेजुएट्स को शो कर रहा है यूजी या ग्रेजुएट्स ठीक है ग्रेजुएट्स को शो कर रहा है तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो शो कर रहा है किसको व्हाट इज द नंबर ऑफ रूरल बिजनेसमैन हु आर नॉट ग्रेजुएट्स हु आर नॉट ग्रेजुएट्स ठीक है रूरल बिजनेसमैन बट नॉट द ग्रेजुएट तो कितने से रूरल uh, वो है बिजनेस मैन है लेकिन जो ग्रेजुएट नहीं है तो ग्रेजुएट का मतलब है और बिना तो 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 का, का भी आ गया सी बिल्कुल करेक्ट आंसर द क्वेश्चन बेटा ये जो आठ वाला एरिया है वो इसमें भी है और इसमें भी है तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास आएगा ही आएगा निश्चित रूप से क्वेश्चन का आंसर आएगा बिल्कुल है जी आगे बढ़ते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकी सबसे अलग है कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकी सबसे क्या बेटा अलग है बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल डिफरेंट फ्रॉम द ऑप्शंस बताइए कौन सा नंबर ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है बाकी सबसे अलग एक है कौन सा नंबर ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है क्या आंसर भाई सी नहीं नहीं आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या है ये बड़ा टिपिकली क्या है क्वेश्चन और ऐसा तो कोई बैठ नहीं पा रहा पर एक अंदाजा जो है क्वेश्चन का क्या हो सकता है समझा रहा हूं यहां पर हम कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है बाईस का छह गुना बाईस का छह गुना होता है एक सौ बत्तीस पांच कम करने पर एक सौ आता है ऐसे अगर मैं बात करता हूं सोलह का गुना छियानवे है पांच कम कर दें तो नाइनटी वन आता है ठीक है अट्ठाईस का गुना और आप देख पा रहे तो आएगा बारह और अड़तालीस वन सिक्सटी एट आता है पांच कम करने पर आपके पास वन सिक्सटी थ्री आ रहा है ऐसे ट्वेंटी सेवन को अगर हम छह से गुना करें तो आएगा आपके पास में बारह और बयालीस तो एक सौ बासठ आएगा और इसमें से तो ये पांच कंपनी आएगा जो कि पॉसिबल नहीं हुआ ये बाकी सबसे क्या हो गया अलग एक है जी तो क्वेश्चन का आंसर बेटा आपका निकल के आता है डी ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन पर बड़ा टिपिकल टाइप का सा लग रहा है ऐसा से एक फील नहीं आ रहा क्वेश्चन को करने के बाद में कि ऐसी कोई थॉट क्वेश्चन में आ सकती है क्योंकि प्रोसेस मुझे पता होते है इसलिए कई बार पता भी है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है पर एक जो फील वाला कंटेंट है भाई क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन जो था वो ऐसा कुछ है वो जस्टिफाइड नहीं है ना और क्या हो सकता है, है। सोलह का पांच गुना अस्सी तो ग्यारह ज्यादा पांच कोने में सत्रह ज्यादा पांच कोने में तो कुछ और ज्यादा आएगा तो बैठेगा नहीं ठीक है चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये तो फ्री का क्वेश्चन है ये तो हम कर ही पाएंगे इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं क्या बताना भाई आपको पी क्यू पे मीरा रख दिया जाए तो इमेज क्या होगी PQ पे क्या रख दिया जाए मिरर को रख दिया जाए तो इमेज क्या होगी ये क्वेश्चन तो हम कर ही पाएंगे इस क्वेश्चन में तो कोई बट है ही नहीं पी क्यू पे क्या रख दिया जाए इमेज रख दिया जाए तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ठीक है क्या वैल्यू क्वेश्चन में आएगी और आप पी क्यू रख देते हैं तो फ्री है ई वी आई टी आई एन जी ओ सी बिल्कुल पहले में आ गया क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बढ़िया फौजी और बीना बढ़िया सा है तो आपके पास क्वेश्चन ये सीरीज है क्या आंसर देंगे आप इस क्वेश्चन में ये तो आसान एक होते हैं और थोड़ा सा एनालाइज करने से क्वेश्चन की वैल्यू आ जाती है आपके पास में ठीक है थोड़ा सा ज्यादा मेहनत नहीं करने के पहले भी क्वेश्चन का आंसर तो आ ही जगह होता है चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन की वैल्यू या क्वेश्चन का आंसर क्या है नेक्स्ट इज वोट आगे क्या आएगा अच्छा देखो ऐसे क्वेश्चन में आप लेटर से लेटर कंपेयर एम पी तीन ज्यादा तीन ज्यादा तीन ज्यादा तीन ज्यादा करेंगे तो वाई आएगा सब में है तो हटाओ इसको तो मतलब चेक ही नहीं करना है ये भी कह सकता हूं मैं तो कि जब पहला लेटर कॉमन हो तो पहला लेटर वाई ही है तो पहला लेटर तो आपने चेक कर लिया वाई है ठीक है चेक नहीं करना सेकेंड ई e से एच तीन ज्यादा ये भी तीन ज्यादा ये भी तीन ज्यादा तो तीन ज्यादा आएगा तो क्यू आएगा ये दोनों होंगे ये दोनों कटे हटाओ ये क्यू आ गया अब दोनों में देख लो क्या क्या है एन से जे दस चार चार कम फिर चार फिर कम फिर में कम आएगा तो, 24. Right ये भी तो का बिल्कुल है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स शब्दों की व्यवस्था करना ठीक है शब्दों की क्या करना है व्यवस्था करना है बाई द डिक्शनरी ऑर्डर शब्दों को डिक्शनरी के क्रम में जमाना फ्री का सा क्वेश्चन है उठाओ एनालाइज कर दो जोड़ दो क्वेश्चन की आंसर या क्वेश्चन का आंसर आपके पास रहता ही है फटाफट से बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा क्या आंसर आएगा क्वेश्चन का ये तो फ्री के से क्वेश्चन है बेटा इन क्वेश्चनों में तो दिमाग नहीं लगाना होता है ठीक है ये तो बहुत ज्यादा आसान एक है बीना का आंसर भी आ गया फौजी भी देता ही है चलो आ जाओ क्या अरेंजमेंट बनता है भाई इसका अरेंजमेंट में आप जाएंगे तो टी कॉमन है ओ कॉमन है हटाओ टी कॉमन है ओ कॉमन है या फिर ऑप्शन से देख लो देखो चार तो आपको जमाना ही नहीं है जी चार तो जम गया ठीक है उसके बाद में देखना है दो या तीन पांच चलो चार तो आपका अरेंजमेंट हो गया हटाओ इसको तो, तो सबसे पहले आएगा इसकी तो लड़ाई खत्म हो गई अब देखते हैं क्या P है L है M है और P है तो L पहले आएगा ना जी L फिर M लास्ट में P तो तीन पहले आएगा तू भी चल भाई तू भी चल भाई तीन पहले आएगा ये तीन पहले है तो ये है लो जी हटाओ तू भी है ना तो तीन है फिर पांच है फिर एक और दो है तो क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल बढ़िया ठीक है ऑप्शन का इस्तेमाल करा करें हमेशा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ कि पर किन दो साइनों को चेंज करने पे जैसे कि आजकल मैथमेटिकल का बहुत चलन है और ये क्वेश्चन परफेक्ट ठीक है आता ही आता है और मैंने हमेशा कहा होता है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो भाई मेरे किस साइन को देखना डिवाइड के साइन को देखना और आनंद प्राप्त करना क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ठीक है डिवाइड के साइन को चेक करो तो अगर वो बदलने में आ रहा है तो हो जाएगा काम नहीं तो शांति है क्लियर है डिवाइड और प्लस को चेंज कर देंगे तो होगा क्या नहीं होगा डिवाइड और माइनस को चेंज कर देंगे तो होगा क्या डिवाइड और माइनस को चेंज कर देंगे तो हम्म hmm. देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन की वैल्यू निकालो किसको साइन को चेंज करने पर आपका आंसर आ जाएगा किस साइन को चेंज करने पर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा चलिए पहला काम देखो मैंने हमेशा कहा होता है क्या कि सबसे पहले डिवाइड कर देखो डिवाइड इसमें जा नहीं रहा जा रहा है क्या ऐसे में डिवाइड ही नहीं जा रहा तो ये देखो साइन तो चेंज करना पड़ेगा ये तो तो पहला डिवाइड और प्लस को चेंज करने पर अगर यहां पर डिवाइड आएगा तो भी तो भाग नहीं जाएगा यहाँ से नौ का अच्छा कट भी जा सकता है ना क्योंकि यहाँ से डिवाइड और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका प्लस ये चला जाएगा प्लस में तो ये तो कैंसिल हो जाएगा दो छब्बीस इसमें से लेस करेंगे छब्बीस तो वैल्यू वैसे ही वैल्यू कम हो जाएगी और पांच जोड़ देंगे तो ये तो बनेगा ही नहीं, नहीं। चलो हटाओ पहला तो नहीं बन रहा भाई दूसरा डिवाइड और माइनस यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड और ये चला जाएगा आपका माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी छब्बीस यस और अठारह का अगर नौ गुना करते हैं तो वन सेवेंटी टू एक सौ बहत्तर आएगा क्या एक सौ बहत्तर भाग देना है भाई तेरा एकम तेरा छब्बीस क्यों आएगा तेरह एकम तेरा और तेरह दिन से बारह आएगा ठीक है एक सौ बहत्तर ही आपके पास है बारह अगर लेस कर देंगे तो क्या होगा नहीं बनना नहीं है तो नहीं बासठ आएगा तू भी क्या कर रहा है भाई वन सिक्सटी टू आएगा बेटा डन यही है बी ऑप्शन है 162 आएगा ना नौ को गुना करेंगे अठारह से तो वन आएगा बारह एड करने पर एक आएगा पांच कम करेंगे तो एक बिल्कुल सही बात है डन है जी बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन का आंसर था अच्छा बताओ लास्ट एक क्वेश्चन आपके पास और आ गया इसको बोलते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पेपर फोल्ड करके काटा गया है पेपर फोल्ड करके क्या किया गया है काटा गया है तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा यस बीज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा बीस क्वेश्चन का परफेक्ट और करेक्ट आंसर है चारों चार को लेकिन कोने पर ट्राइंगल ट्रैंगल ठीक है फिर अंदर में देखा गया तो अंदर में यहाँ पर दोनों की साइड सेफ नहीं तो ये बैठ गया और अंदर में सेफ साइड है लेकिन यहां पर कोने गड़बड़ बनना दी तो एक ही ऑप्शन बचा था आपके पास में तो आंसर बी यस बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा फॉर द नेक्स्ट एवन कंसेप्ट हमेशा की तरह आता है बताता है कि भैया लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है क्लियर है आज फिर हम लोग क्लास यहीं रुकते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम चैनल लेकिन क्वेश्चन करना पेपर हल करने हैं और जो पेकेंसी अब आपके पास में आ रही है उसकी तैयारी करनी है छोड़ना नहीं है जून में ही पेपर बेटा तो अभी से लग जाए ठीक है थैंक यू गुड नाइट थैंक यू सर